हेलो, वेलकम टू एग्री टाइम, लर्न एग्रीकल्चर विद मी। फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक डेली एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स विच आर मोस्ट यूजफुल फॉर अपकमिंग एग्रीकल्चरल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। फ्रेंड्स, कृषि समसामयिकी जो कि आपके आने वाले कृषि परीक्षाओं में काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन में ऑल जरूर सिलेक्ट कर लें ताकि आपको डेली एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, बाद में आप डेली एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो शो है उसको देखने में अपना व्यस्त हो जाएंगे, इसलिए प्लीज वीडियो को अभी से लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए आज हम बात करेंगे टॉप 3 एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की, जो कि है NSAI asks center to watch out for Chinese seed terrorism। यहां पर बोला जा रहा है कि NSAI, जिसे हम National Seed Association of India के नाम से जानते हैं, इन्होंने केंद्र को क्या किया है, सूचित किया है कि चाइना से जितने भी बीज आते हैं, ठीक है, उसको, ठीक है, विशेष रूप से देखा जाए या फिर उसको आने ही ना दिया जाए हमारे इंडिया में। इसके बारे में आगे चलकर हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। सेकंड करंट अफेयर है पोल्ट्री फार्मर से 20,000 करोड़ आफ्टर वायरस स्कैम। यहां पर बोला जा रहा है कि जो पोल्ट्री फार्मर्स हैं उनको जो COVID-19 है उसके वजह से जो दिक्कतें हैं वो झेलनी पड़ी थी, इस कारण उनको अभी 20,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है फिर से जो चिक्स है, जो पोल्ट्री है, उस पर वर्क करने के लिए। इस पर भी आगे चलकर हम चर्चा करेंगे डिटेल से। थर्ड एग्रीकल्चर करंट अफेयर निकल के आता है आपका, वो है न्यूट्रिशन सेंसिटिव एग्रीकल्चर शुड बी द न्यू नॉर्मल इन कोविड एरा फार्मिंग, सीएस केलरा एग्रीकल्चर मिनिस्टर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो केरल के कृषि मंत्री है उनका कहना है कि इस कोविड महामारी के युग में कल्टीवेशन करने पर, ठीक है, जो न्यूट्रिशन सेंसिटिव है उस पर या तो हमें अमल करना चाहिए, उसे हमें अपने, मतलब कि या बोले कि जो नई कृषि की जो नीतियां है ना वो उस पर लागू करना चाहिए और जितना ज्यादा हो सके वो रिस्क जो है वो कम करके बेनिफिट्स जो है वो यहाँ पर ज्यादा होना चाहिए, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये रहा 3 एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स। चलिए अब सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। फर्स्ट है NSAI ask center to watch out for Chinese seed terrorism, इसके बारे में चलिए चर्चा करते हैं। So, the National Seed Association of India, NSAI, wants the center to put its agencies on high alert against Chinese seed penetrating into Indian fields. It has asked the government to have in place adequate plans to deal with the seed terrorism. यहां पर बोला जा रहा है कि NSAI जो है उन्होंने ये चाहा है या फिर ये कहा है कि भारत की जितने भी एजेंसीज हैं, ठीक है, जो बीज के, सो उन्होंने बोला कि चीन के जो बीज है उसको यहां पर लाने के लिए आप हाई अलर्ट हो जाइए, या फिर जो NSAI जो है ना उन्होंने हाई अलर्ट जारी कर दिया है
किसको, केंद्र को, ठीक है, कि आप जो चाइना से आने वाली जो बीजे हैं, ठीक है, उन पर आप विशेष रूप से ध्यान रखें या फिर उस बीज को ही ना मंगाएं। उन्होंने और कहा कि ये जो सीड टेररिज्म है उससे निपटने के लिए आप, ठीक है, उससे पीछा छुड़ाने के लिए आप पर्याप्त रूप से योजनाएं तैयार कीजिए। इस तरीके से आगे देखते हैं, विल द NSAI हैज नॉट फाउंड एनी चाइनीज सीड इन द इंडियन मार्केट टुडे, इट हैज इशूड एन अलर्ट ऑन द बेसिस ऑफ एन इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन, जिसे हम ISTA बोलते हैं, उन्होंने वार्निंग किया है, वार्निंग ऑन द एंट्री ऑफ सस्पेशियस सीड्स इन द इंडियन मार्केट। यहां पर बोला जा रहा है कि जो NSAI है उन्होंने आज तक भारतीय बाजारों में, इंडियन मार्केट में कोई भी जो चीनी बीज है वो तो अभी तक नहीं पाया है, लेकिन जो ISTA है इन्होंने, या फिर बोले तो इनके द्वारा चेतावनी दी गई थी, ठीक है, या इनके द्वारा जो अलर्ट है वो जारी किया गया था, इसलिए जो NSAI है उन्होंने सेंटर को डायरेक्ट बोल दिया कि आप देख लो भाई, हमने आपको अलर्ट कर दिया है पहले से ही कि आप चाइना से जो भी बीजें आती हैं उनको ना मंगाएं, ऐसे करके। तो ये था फर्स्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, जो कि था चाइनीज सीड टेररिज्म पर। आगे बढ़ते हैं, सेकंड एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की बात करेंगे, जो कि है पोल्ट्री फार्मर सीक 20,000 करोड़ आफ्टर वायरस स्कैर। इसके बारे में चलिए चर्चा करते हैं। सो इंडियाज पोल्ट्री इंडस्ट्री इज इन डायर नीड ऑफ कैश आफ्टर प्राइजेस स्लम्प्ड अर्लियर दिस ईयर ऑन स्पेकुलेशन फनेड बाय सोशल मीडिया दैट चिकन्स कूल्ड स्पेयर द कोरोना वायरस अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द नेशन टॉप प्रोड्यूसर्स। यहां पर बोला जा रहा है कि जो इंडिया का जो पोल्ट्री जो उद्योग है उसको इस बार सख्त किया जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए, क्योंकि इस बार जो बोले तो अगर जो मुनाफा है, बेनिफिट जो है वो बहुत ही कम हुआ है कोरोना वायरस के चलते, COVID-19 के चलते, और इससे कि जो पोल्ट्री फार्मर्स जो है उनको काफ़ी हद तक नुकसान हुई है, और जो पोल्ट्री जो है, जो चिकन्स हैं उसमें जो उनकी कीमत है उसमें भारी गिरावट आई है, क्योंकि जो सोशल मीडिया जो है ना उसमें आप सभी को पता होगा कि चर्चा हुई थी कि COVID-19 जो है वो चिकन खाने से भी हो सकता है, ऐसे करके, तो इसलिए जो कीमतें थी वो काफ़ी हद तक कम हो गई थी सोशल मीडिया में अफवाह फैलने की वजह से, रूमर्स फैल रहे थे बहुत सारे। सो इंडिया के, हमारे देश के जितने भी शीर्ष उत्पादक जो राज्य हैं उनके अनुसार मुर्गियां जो है वो कोरोना वायरस के चलते फैल रही है, ऐसा करके बोला गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, यहाँ तक कि सरकार ने भी बोल दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे करके। तो इस कारण जो फार्मर्स थे, पोल्ट्री फार्मर्स, उनको काफ़ी हद तक क्या हुई थी, नुकसान हुई थी, और जो पोल्ट्री की जो प्राइजेस है उस पर क्या हुआ था, इफेक्ट पड़ा था, बहुत ही ज़्यादा गिर गया था। आगे लिखा है, चिकन प्राइजेस एट द फार्म गेट प्लमेटेड अस मच अस 70% इन मार्च फ्रॉम जनवरी, फोर्सिंग फार्मर्स टू कुल लार्ज नंबर्स एंड कोसिंग हग लॉसेस, सैड सुरेश चितुरी, वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ श्रीनिवास फार्मर्स प्राइवेट लिमिटेड। प्राइसेस हैव नाउ रिकवरेड टू जस्ट अबाउट प्रोडक्शन कॉस्ट, बट बैंक्स आर स्टिल नॉट विलिंग टू लैंड, ही सैड इन ए फोन इंटरव्यू। यहां पर बोला जा रहा है कि श्रीनिवास फार्म प्राइवेट लिमिटेड के वाइस चेयरमैन और प्रबंधक निर्देशक सुरेश चितुरी ने कहा कि जनवरी से मार्च तक की जो जो चिकन है, जो पोल्ट्री है, ठीक है, उसकी जो कीमतें हैं वो जनवरी से 70% तक गिर गई थी मार्च में, क्योंकि उसी समय जो COVID-19 है वो धीरे धीरे आ रही थी, ठीक है, इसलिए।
जिससे जो पोल्ट्री फार्मर्स हैं उनको बड़ी संख्या में क्या हुई, परेशानी जो है वो झेलनी पड़ी और काफ़ी हद तक क्या हुआ, नुकसान हुआ था। जो उत्पादन की जो लागत है वो तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो उससे बेनिफिट होने वाला था वो बहुत ही कम था। और जो भी बैंक वगैरह थे, ठीक है, उनसे अगर मतलब की मदद मांगी गई तो उन्होंने भी अभी लोन वगैरह देने के लिए क्या कर दिया, मना कर दिया कि हम अभी आपको लोन दे नहीं सकते, या फिर उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि हम अभी लोन देने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है, और ये सब उन्होंने कहाँ पर बोला, तो फोन के एक इंटरव्यू में बोला था। किन्होंने बोला था, श्रो श्रीनिवास फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड के वाइस चेयरमैन और प्रबंधक श्री सुरेश चित्तूरी जी ने यह बोला था। तो ये रहा सेकंड एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो कि पोल्ट्री फार्मर्स पर था। उनको अभी 20,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है आफ्टर, मतलब कि फिर से जो पोल्ट्री बिजनेस है उसको चलाने के लिए। थर्ड एग्रीकल्चर करंट अफेयर के बारे में जानते हैं जो कि है न्यूट्रिशन सेंसिटिव एग्रीकल्चर शुड बी द न्यू नॉर्मल इन कोविड इरा फार्मिंग से स्किल रहा एग्रीकल्चर मिनिस्टर। इसके बारे में चलिए चर्चा करते हैं। सो केलरा एग्रीकल्चर मिनिस्टर V.S. सुनील कुमार हैज रिकमेंडेड अडॉप्टिंग न्यूट्रिशन सेंसिटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन द स्टेट अस न्यू नॉर्मल इन कोविड इरा फार्मिंग। यहाँ पर बोला जा रहा है कि केरल के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर V.S. सुनील जी हैं, इन्होंने राज्य में न्यूट्रिशन सेंसिटिव जो खेती है या फिर जो कृषि की जो पद्धतियां जो हैं उसको COVID-19 के इस युग में ऐसा बनाने के लिए कहा है, या फिर जो फार्मर्स हैं उनको ये सलाह दी है कि आप ऐसा कुछ कीजिए ताकि इस COVID-19 में भी अच्छा मुनाफा हो पाए ऐसा करके। आगे देखते हैं, डिजाइनिंग सच एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजीज विल मिनिमाइज द रिस्क एंड मैक्सिमम द बेनिफिट्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ अक्रॉस द एंट्री वैल्यू चेन राइट फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंज्यूम्पशन, ही सेड। यहाँ पर बोला जा रहा है कि उन्होंने कहा कि इस तरह की कृषि का जो स्ट्रेटजी, एग्रीकल्चर जो स्ट्रेटजी है कल्टीवेशन करने का, उसको अच्छे से अच्छे प्रोडक्शन लेने के लिए उपयोग किया जाए। और उन्होंने कहा कि मिनिमाइज द रिस्क, यानी कि कम रिस्क के साथ मैक्सिमम जो बेनिफिट है वो हो, और न्यूट्रिशन जो है और हेल्थ जो है उस पर एक अच्छा इफेक्ट डाले, ये यहाँ पर बोला जाए। जो प्रोडक्शन होगा ना उससे बोला जा रहा है कि जो न्यूट्रिशन है वो अच्छा से हो, हेल्थ पर अच्छा बेनिफिट पड़े, ये करके। तो ये था थर्ड एग्रीकल्चर करंट अफेयर जो कि न्यूट्रिशन सेंसिटिव से रिलेटेड था। ठीक है, तो आशा है आप सभी को ये तीनों जो एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।